प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं मनदीप शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। भाषा माधुरी का पाठ एक भोलू भुलक्कड़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, अब तक हमने भाषा माधुरी के पहले चार पाठों में से व्याकरण संबंधित कुछ अभ्यास कार्य किए, जिससे आपको व्याकरण संबंधी ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम भाषा माधुरी के प्रत्येक पाठ को समझते हुए प्रश्नोत्तर सहित उनका अभ्यास कार्य भी करेंगे। आओ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं भाषा माधुरी का पाठ एक भोलू भुलक्कड़। बच्चों, क्या आपको पता है कि भुलक्कड़ किसे कहते हैं? बच्चों, भुलक्कड़ उसे कहा जाता है जो बातों को भूल जाता है। इस पाठ में भी भोलू नाम का एक लड़का होता है जो थोड़े थोड़े समय के पश्चात अपनी बातें भूल जाता है। प्यारे बच्चों, आओ इस चित्र कथा को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, चित्र कथा उसे कहा जाता है जिसमें चित्रों के माध्यम से कहानी को व्यक्त किया जाता है तथा कहानी और भी ज्यादा रोचक बन जाती है। तो बच्चों, एक था भोलू भुलक्कड़। बच्चे जब भी उसे देखते गाने लगते, अक्कड़ बक्कड़ भूल भुलक्कड़, मांगो लोटा लाते लक्कड़। एक दिन की बात है, भोलू की माँ भोलू से कहती हैं, मुझे एक बाल्टी पानी ला दो, फिर स्कूल चले जाना। भोलू कहता है, अच्छा माँ, मैं अभी पानी लाता हूँ। जब भोलू पानी लेने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे दो मुर्गे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लड़ते देखकर भोलू कहता है, अरे ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं? भोलू पानी लाने की बात भूल जाता है और मुर्गों की लड़ाई का तमाशा देखने लग जाता है। तभी स्कूल का घंटा भी बज जाता है, टन टन टन। घंटे की आवाज सुनकर भोलू बोलता है, अरे स्कूल का समय हो गया, भागो। भोलू को भागते हुए देखकर उसका मित्र बोला, लगता है भोलू फिर कुछ भूल गया है। भोलू बाल्टी को बस्ता समझकर स्कूल की ओर भाग जाता है और जब वह अपनी कक्षा में बाल्टी लेकर पहुंचता है तो मास्टर जी उसे देखकर पूछते हैं, भोलू यह बाल्टी क्यों लाए हो? क्या किताब लाए हो? भोलू जवाब देते हुए कहता है, अरे मास्टर जी, मैं तो बस्ता लाना भूल गया। भोलू को देखकर सब बच्चे हंसने लगते हैं और वे एक साथ बोलते हैं, भोलू भुलक्कड़ खा गए क्यों चक्कर? प्यारे बच्चों, आओ इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इस बार भोलू क्या भूल जाता है। एक बार माँ ने भोलू को एक काम करने के लिए कहा, भोलू जरा छप्पर से उपले तो ले आना। भोलू कहता है, लाया माँ। बच्चों, यहाँ पर छप्पर शब्द का अर्थ है किसी जगह के बचाव के लिए बनाई गई छत तथा उपले शब्द का अर्थ होता है गाय या भैंस के गोबर से बनाया जाने वाला ईंधन। भोलू जब उपले लेने के लिए मुंडेर पर चढ़ता है तो वह घोंसले में एक चिड़िया तथा उसके बच्चों को देखकर बोलता है कि कितनी प्यारी चिड़िया है, यह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। बच्चों, मुंडेर शब्द का अर्थ होता है घर की छत के चारों ओर बनी दीवार। भोलू अपनी माँ द्वारा दिए गए उपले लाने के काम को भूल गया और चिड़िया की तरह अपनी बाहों को पंख की तरह हिलाने लगा। वह धम से जमीन पर गिर जा। इतने में भोलू की माँ उसे आवाज लगाती हैं, भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। भोलू गिर जाने पर बोलता है, ओह हो, मैं तो चिड़िया नहीं हूँ। भोलू की माँ भोलू से कहती हैं, अरे मेरे भुलक्कड़ भोलू। भोलू उदास होकर कहता है, माँ क्या करूँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। माँ उसे सुझाव देते हुए कहती है कि तुम अपनी कमीज में एक गांठ लगा लो, इसे देखते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा।
भोलू ने वैसा ही किया। माँ ने उसे चाची के घर से पालक लाने भेजा। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज पर गांठ लगाई और गांठ पर हाथ रखकर जल्दी जल्दी चल दिया। जब भोलू पालक लेने के लिए अपनी चाची के घर जा रहा होता है तो उसके सिर पर अचानक से कुछ गिर जाता है। भोलू कहता है, अरे यह मेरे सिर पर क्या टपका, यह तो आम है। इतने में दो लड़कियां भोलू के पास आती हैं और उनमें से एक लड़की भोलू से कहती है, भोलू मेरे लिए आम तोड़ दो। भोलू आम तोड़ने लग जाता है। इतने में दूसरी लड़की भी भोलू से कहती है, भोलू एक आम मुझे भी दे दो। भोलू कहता है, ये लो अब और आम नहीं है मेरे पास। तभी उसका हाथ कमीज की गांठ पर जा पड़ा और उसे माँ द्वारा दिया गया पालक लाने का काम याद आ जाता है और वह पालक लाने के लिए भाग जाता है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनना चाहिए तथा अपना हर कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। मुझे आशा है आप भी इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे। प्यारे बच्चों, यह पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसलिए इस पाठ से संबंधित कोई लेखन कार्य नहीं है। मैं इस पाठ से संबंधित कुछ नए शब्द तथा शब्दार्थ भेज रही हूँ ताकि आपको इन नए शब्दों के अर्थों का ज्ञान हो। आप इस कार्य को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखिए तथा याद कीजिए। प्रश्नोत्तर कार्य आपको पाठ 2 से शुरू करवाया जाएगा। धन्यवाद।